ईमेल आईडी बनाना भी सीखा। कंप्लीटली बता रहा हूँ आईबीएम स्किल बिल्ड क्या है, किस तरीके से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और ये रजिस्ट्रेशन कराने से आपको क्या बेनिफिट होगा। देखिए, मैंने अपनी ईमेल आईडी के थ्रू एक रजिस्ट्रेशन, बेसिकली इंफॉर्मेशन क्या क्या चाहिए, आपके पास एक जीमेल का एक ईमेल अकाउंट होना चाहिए, ठीक है ना, और दूसरा मोबाइल नंबर, और उम्र आपकी 18 हो जानी चाहिए, और डिजिटल स्मार्टफोन वगैरह आप लोग यूज करते होंगे, तो ये एक बेसिकली रिक्वायरमेंट है इस कोर्स के लिए। आईबीएम स्किल बिल्ड का जो कोर्स है, उस कोर्स में आप कौन कौन सी चीजों को आसानी से सीख पाओगे, देखिए भविष्य जो फ्यूचर स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंटरव्यू स्किल, इन चीजों की आप लोगों को जरूरत होती है, वो आप बहुत आसानी से और फ्री ऑफ कॉस्ट। 7000 तरह के ऐसे कोर्सेज हैं जो आईबीएम स्किल बिल्ड का ये जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आप आसानी से सीख सकते हैं। आज ये जो ग्रुप सेशन आप लोगों के यहाँ आपके इंस्टीट्यूट में जो ऑर्गेनाइज किया गया है, उसका मकसद यही है कि आप लोगों को ये जानकारी हो कि आईबीएम स्किल बिल्ड से आप क्या बेनिफिट कर सकते हैं, आप अपने भविष्य को, आप अपने फ्यूचर को कैसे सुधार सकते हैं। तो मैं आप लोगों को वो एक फॉर्म आपको से आप इन जानकारियों को आसानी से एक्सेस कर पाओगे। देखिए, मैंने अपना यहां मेल आईडी ओपन किया है, आप इस आपकी जो ईमेल आईडी है उसे आप यहां लिखकर ओपन करेंगे। मैंने देखो यहां मेरा मेल आईडी लिखा है, और मेल आईडी लिख के और मैंने इसको नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करते ही आप अपना यहां पासवर्ड लिख के और इसको नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आप अपनी मेल आईडी में ओपन करके जो भी आपका कैसे आपका अकाउंट किया है यहां, ठीक है। जैसे मैंने जीमेल को ओपन किया तो ये इस तरह ओपन हो जाए। अब आप यहां आईबीएम लिखेंगे और आईबीएम लिख के सर्च करेंगे, जो आपको ईमेल्स आई होंगी वो सारी की सारी आपके पास इस तरीके से यहां आ जाएंगी। देखो, ये आपके पास आईबीएम स्किल बिल्ड से आई हुई ईमेल्स हैं। तो मैं वेलकम मेल की बात करूंगा, ये वेलकम मेल है। जब आप कोर्स रजिस्टर्ड करेंगे, जो ईमेल आईडी आपने हमें दी है उस ईमेल आईडी समय आपने जो ईमेल आईडी दी है, ईमेल आईडी के ऊपर ये स्किल बिल्ड करके ऐसे ये वेलकम मेल आने के बाद आप क्या करोगे, यहां से लॉगिन करके, यानी कि इस बटन पे क्लिक करके गो तो देखो हुआ है, गो टू स्किल बिल्ड पे क्लिक करोगे। जैसे आपने गो टू स्किल बिल्ड पे क्लिक किया, आप देखिए एक नई स्क्रीन के ऊपर जाएंगे। इस स्क्रीन के ऊपर देखो एक्सेस टू आईबीएम स्किल बिल्ड फॉर जॉब सीकर्स, आपने इसके थ्रू रजिस्ट्रेशन किया जीमेल पे जो हमारा गूगल अकाउंट था उससे, तो मैंने लॉग इन विद गूगल पे क्लिक किया। जैसे ही मैं लॉग इन विद गूगल पे क्लिक करता हूं और मेरा जो अकाउंट जितना मैंने इस प्लेटफॉर्म पे लर्न किया है, आप देख सकते हैं यहां 2.1 लर्निंग हावर्स कंप्लीट, मैंने इस वाले प्लेटफॉर्म पे 2 घंटे और 10 मिनट की लर्निंग मैंने यहां पर कंप्लीट कर ली, और कौन कौन से कोर्सेज मैंने कंप्लीट कर लिए हैं वो यहां से देख आप कहीं हमने फर्स्ट टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये समस्या बहुत से स्टूडेंट्स के पास आ रही है। हम कई सारे कॉलेज में इस तरह को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वेलकम मेल नहीं आया तरीके से, तो आप लोगों ने जो आईबीएम बिल्ड पे रजिस्ट्रेशन किया है तो हम आपको बता रहे हैं कि यहां से कैसे पढ़ोगे आप, ठीक है। सर्च लर्निंग, मैंने यहां पर लर्निंग को आप सर्च भी कर सकते हैं, या फिर आप सपोज करो यहां जाओगे, देखिए ये ज्वाइन क्लिक करोगे तो ये आपको लर्निंग पे क्लिक कर दो। आप जैसे जैसे आपने जो लर्निंग की है ना उस वाले सेगमेंट पे क्लिक किया तो आपकी लर्निंग को यहां दिखा देगा ये कि हां भाई आपने क्या क्या लर्निंग यहां पर कर ली है। देखो ये स्क्रीन पे मैनेजमेंट आपने पढ़ा है, ये पूरे के पूरे टॉपिक्स जो जो आपने पढ़े हैं उनको ये यहां दिखा रहा है। अब बात आता है कि आपकी जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल को आप कैसे देखें। देखो सबसे पहले मैंने यहां नाम वाले सेगमेंट पे क्लिक किया, ये प्रोफाइल बटन पे क्लिक कर दिया।
जो ही मैं प्रोफाइल बटन पे क्लिक करता हूं, आप लोगों के पास यहां जॉब रोल के अलग अलग पार्ट आएंगे। जैसे कई और लोग ये कहेंगे मुझे तो प्रोफेशनल स्किल सीखनी है। अब प्रोफेशनल कौन कौन सी होती है देखो, यहां पर आगे अलग अलग दिया हुआ है, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, डिजिटल लिटरेसी आ गया, लीडरशिप आ गया, ये सब चीजें मैंने यहां पर कुछ टिक मार्क कर रखी हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जैसे आप काम करो और भाई उस प्रोजेक्ट को मैं कैसे मैनेज करूं, प्रोजेक्ट मैनेजर आपको बना दिया जाए, तो आपको वो चीजें सीखनी है, तो यहां प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला कोर्स आप क्लिक करो और वहां से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को आप सीख लो। आप चाहोगे कि भाई मुझे कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है, तो आप यहां से कम्युनिकेशन स्किल्स को टिक करके आगे बढ़ सकते हो। ऐसे करके मैंने अलग अलग जॉब रोल के अकॉर्डिंग यहां पर कोर्सेज को सेलेक्ट किया हुआ है। आपको जो सा कोर्स अच्छा लगे उस कोर्स को आप टिक कर सकते हो। ऐसे जैसे टिक करो ऐसे तो ब्लैक निशान लगे, ठीक है। मुझे जैसे प्रोफेशनल लीडरशिप की मुझे स्किल सीखनी है, तो वो चीजें मैंने यहां टिक कर दिया, और टिक करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहां नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो ये कैटेगरीज मैंने सेलेक्ट कर ली। कैटेगरी सेलेक्ट होने के बाद देखो आप यहां सेकंड जो स्टेप है आपका, इस वाले पार्ट पे आ जाएंगे। हो सकता है आपने रजिस्ट्रेशन करते नाम की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो, तो आप यहां जाके अपने नाम की स्पेलिंग को चेंज कर देख सकते हो। भाई अगर सर्टिफिकेट में नाम ही तो सर्टिफिकेट गलत छपेगा, ठीक है। आप अपनी ईमेल आईडी, आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम, वो सारी इंफॉर्मेशन आप यहां देख सकते हो और उसके बाद डन कर दोगे, ठीक है भाई। हमने हमारा अब देखो यहां आपने दो घंटे में क्या पढ़ा, ठीक है, वो यहां पर आ जाएंगी। भाई जो मैंने 2.1 जो हावर्स कंप्लीट किए ना, उनमें क्या क्या पढ़ा, नौकरी की तैयारी से संबंधित पाठ्यक्रम, दो कोर्स इसमें हिंदी के हैं, आप अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी के कोर्सेज भी यहां अलग कर सकते हो। इंटरव्यू की तैयारी कैसे, बहुत से स्टूडेंट इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि इंटरव्यू कैसे दिया जाए, तो वो स्किल्स को आप यहां से लर्न कर सकते हो। देखिए मैंने इसी कोर्स पे क्लिक किया, जैसे मैंने इस कोर्स को क्लिक किया, इसके बाद ये नीचे यहां डबल क्लिक करो, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, कंप्लीटिशन का जो सर्टिफिकेट है ना, ये इस तरीके से आ जाएगा। तो ये इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, सेकंड जो पार्ट था ना नौकरी की तैयारी से संबंधित पाठ्यक्रम, ये मैंने कंप्लीट कर लिया। कभी आप ये, मैं क्यों बता रहा हूं आपको, आप किसी कंपनी में नौकरी देने के लिए, नौकरी करने के लिए जा रहे हैं और आपने इंटरव्यू दिया और उन्होंने आपसे ये पूछा कि भाई आप क्या प्रोफेशनल स्किल्स जानते हो, तो आपने कहा भाई मैं तो इंटरव्यू स्किल्स जानता हूं, कम्युनिकेशन स्किल जानता हूं, फिर वो आपसे पूछे कि भाई आपके पास क्या प्रूफ है, तो आप कहोगे कि मैंने IBM के स्किल बिल्ड पे ये प्लेटफॉर्म पे ये कोर्स किया है, इसको सर्टिफिकेट को प्रिंट करके दे दो, तो वो डिग्री में एक तरीके से आपकी मार्कशीट के साथ वो एक एक्स्ट्रा डिग्री आपको शो करेगी कि आपको ये नॉलेज है या नहीं है। लोगों से क्या होगा, आप डिफरेंट दिखोगे, ये डिग्री है तो इसने इसका नॉलेज होगा, तभी तो डिग्री की होगी, अदरवाइज तो कैसे करता। तो ये देखो कितने घंटे का कोर्स है, मात्र लर्निंग आवर्स 10 मिनट का कोर्स था ये, मात्र 10 मिनट में आप क्या सीख सकते हो, इंटरव्यू की तैयारी का ये जो सेकंड पाठ्यक्रम है कि नौकरी के लिए तैयारी कैसे करें, वो मात्र 10 मिनट में सीख सकते हो। ये फॉर्म ऐसे 7,500 तरह के कोर्सेज आप लोगों को प्रोवाइड करता है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि जो लोग स्मार्टफोन चलाते हैं, जिनकी आयु 18 साल पूरी हो गई है, वो हमारे इस प्लेटफॉर्म का यूटिलाइजेशन करना सीखें। देखिए मैं आपके लिए ये बता रहा हूं दोबारा से कि कैसे इसको आप सीख सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिकली ये चीजें आप लोगों को पता रहेंगी तो आप आसानी रहेगी, बाकी स्टूडेंट्स को भी आप इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो। हमारे रिसेप्शन के ऊपर आप जाके, एक हेल्प डेस्क हमने सेटअप किया है, आप अपनी इस कोर्स में अपना करा सकते हैं, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है। IBM CSE एकेडमी और युवा जागृति संस्थान के द्वारा पूरे संपूर्ण भारत में हम 4,00,000 को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर्ड कर रहे हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया इंटरेस्ट आप
ऑडियो विजुअल सेशन में आप पढ़ाई कर सकते हो। देखिए कैसे, ये आपको बताएंगे इस एक वीडियो में, मैंने आपका यहां इस वीडियो को बड़ा किया है। अब आप देखेंगे कि ये इंटरव्यू की स्किल्स की तैयारी कैसे की जाए, पूरा प्लेटफॉर्म आप लोगों को यहां इस वीडियो के माध्यम से दिखेगा। ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म आप लोगों को दिख रहा है, देखिए इसमें ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएगी कि कैसे आप अपने इंटरव्यू की तैयारी को अंजाम तक पहुंचा सकते हो। मैं वॉल्यूम इसका बढ़ा रहा हूं। इसकी वॉल्यूम आप बढ़ा के देख सकते हो। इसका स्पीकर इतना ही है ना लैपटॉप का, आप तक नहीं पहुंच पा रही होगा। तो ये आपकी लॉगिन में दिखेगा, लॉगिन तो ये आपकी लॉगिन में एग्जैक्टली दिखेगा और आप यहाँ लर्निंग कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, कोडिंग यहां अलग अलग सेक्शंस में ये है। तो IBM ने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल लेवल का आप लोगों के लिए बनाया है, तो आप इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करो।